हे गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। तो गाइज इस वीडियोस के अंदर मैं आपको अगेन टॉप 4 ऐसे ब्रांडेड स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है। और इस स्मार्टफोन्स के अंदर में आप 90 FPS का BGMI गेम को भी प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी लैग, काफ़ी स्मूथली। और साथ ही साथ इन चारों स्मार्टफोन्स की मदद से आप 8K तक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 30-60 FPS तक। तो ये जो कि स्मार्टफोन है वो काफ़ी फ्लैक्सिब लेवल का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स आपके लिए हो सकते हैं अंडर 30,000 के प्राइस के रेंज पे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, इन चारों स्मार्टफोन्स के बारे में आपको पूरे डिटेल्स बताते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले स्मार्टफोन्स की बात करें जो कि अंडर 30,000 के प्राइस में देखने को मिल रहा है, वो है IQ कंपनी की तरफ से IQ Neo 6 5G फ्लैक्सिबल स्मार्टफोन्स। और ये सच में फ्लैक्सिबल लेवल का ही स्मार्टफोन्स है क्योंकि इसके अंदर में जो आपको डिस्प्ले मिल रहा है वो जो कि 6.62 इंचेस का फुल HD प्लस 120Hz HDR10+ सपोर्टेड AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में आपको 1300 nits का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगा। और इस डिस्प्ले का जो आपको सैम्पलिंग टच रेट मिलेगा वो जो कि 360Hz का आपको सैम्पलिंग टच रेट देखने को मिल जाएगा। तो ये एक काफ़ी ग्रेटेस्ट लेवल का हाई क्वालिटी यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है। और साथ ही साथ इसके बात की जाए परफॉर्मेंस की, क्या परफॉर्मेंस है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी एक्सीलेंट लेवल का देखने को मिलेगा क्योंकि इस स्मार्टफोन्स के अंदर में आपको एंड्रॉयड 12 का फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 875G का ऑक्टा कोर चिपसेट दिया जा रहा है जो कि काफ़ी एक कूलेस्ट चिपसेट है जिसकी मदद से आप 90 FPS तक गेम को काफ़ी एक स्मूथ लेवल तक यहां पे चला पाएंगे। और इसमें आपको जायरोस्कोप वगैरह भी काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएंगे। और बात करें इस स्मार्टफोन्स के रैम के, तो इसमें आपको 8GB का रैम मिलेगा। और इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसका दूसरा भी वेरिएंट आता है जिसमें आपको 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात की जाए इस स्मार्टफोन्स के परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी एक्सीलेंट लेवल का यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए इसके कैमरा फीचर की, तो यहाँ पे आपको बैक कैमरा में ट्रिपल कैमरा का सेटअप किया गया जो कि एक है 64 मेगापिक्सल का कैमरा और जो दूसरा है वह 8 मेगापिक्सल का और जो तीसरा कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। और ये तीनों कैमरा कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा किया गया जिसकी मदद से आप यहाँ पे 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS फ्रेम रेट या फिर 60 FPS फ्रेम रेट पे। इसके बाद हम बात की इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट ओनली ऑन 30 FPS फ्रेम रेट तक। तो इसका कैमरा क्वालिटी आपको सही देखने को मिल जाएगा जो कि आपको काफ़ी एक वेरी गुड क्वालिटी के यहाँ पे वो कैमरा देखने को मिलते हैं। और बात की जाए इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 4700mAh का बैटरी मिल रहा है जो कि काफ़ी एक अच्छा आपको बैटरी बैकअप दे देगा। और साथ ही साथ इसके अंदर में आपको 80W का फास्ट चार्जर भी मिलेगा जिसकी मदद से आप काफ़ी फास्ट मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज कर सकते हैं। अप टू 25 मिनट्स के अंदर में आपका जो स्मार्टफोन होगा वो फुल्ली चार्ज होकर के रेडी हो जाएगा। तो इधर स्मार्टफोन वो काफ़ी धासु लेवल का फ्लैक्सिबल स्मार्टफोन है और ये एक गेमर्स के लिए और एक प्रोफेशनल यूजर्स के लिए भी काफ़ी एक क्वालिटी लेवल यहाँ पे ये स्मार्टफोन्स आपके लिए हो सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन्स का अगर बात करें फुल डिटेल्स अनबॉक्सिंग रिव्यू की, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आई बटन मिल जाएगा। तो इससे स्मार्टफोन्स का अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियोस जरूर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए दो नंबर वाले स्मार्टफोन्स की, जो कि पोको कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है, पोको A4 5G फ्लैक्सिबल स्मार्टफोन, जिसकी अगर बात करें सबसे पहले डिस्प्ले फीचर की, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस का FHD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ HDR10+ सपोर्टेड डॉल्बी विजन भी यहाँ पे आपको सपोर्ट किया गया। और ये एक AMOLED डिस्प्ले है जिसके अंदर में स्टिल आपको 1300 nits का पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको सैम्पलिंग रेट मिलेगा वो जो कि है 360Hz का, यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो भी एज अ सेम जो IQ Neo 6 का था वहाँ से एक अच्छा लेवल का यहाँ पे डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक डिस्प्ले है वो एक्सीलेंट लेवल क्वालिटी का हम कह सकते हैं क्योंकि डिस्प्ले के मामले में कहीं भी आपको एक नॉक भी आप नहीं लगा सकते इस स्मार्टफोन्स के अंदर में जो कि मैंने अभी तक बताया। तो इस स्मार्टफोन्स का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी गर्दा लेवल का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए यहाँ पर
परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे भी आपको एंड्रॉयड 12 का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है जो कि मीयू 30 पे वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ इसका जो प्रोसेसर है वो जो कि स्नैपड्रैगन 870 का ऑक्टा कोर 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि एक कूलेस्ट चिपसेट है, जो कि पहले जो मैंने बताया उसमें भी यही सेम चिपसेट था। और ये जो चिपसेट होता है जिस भी मोबाइल फ़ोन में हो उसमें आप 90 FPS तक गेम को आराम से रन कर सकते हैं बिना कोई लैगिंग प्रॉब्लम्स के, एकदम स्मूथ यहाँ पे आप गेम को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए इसमें रैम की, तो इसमें भी आपको 8GB रैम मिलेगा और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका भी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी एक ग्रेटेस्ट लेवल का आपको देखने को मिल जाते हैं। और नेक्स्ट बात की जाए इसके कैमरा क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलेगा बैक में वो जो कि यहाँ पे भी आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप्स किया गया, एक कैमरा को 64 MP का, दूसरा कैमरा को 8 MP का, और तीसरा कैमरा को 2 MP का, और ये तीनों कैमरा का भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 8:30 FPS या फिर 60 FPS फ्रेम रेट के साथ। लेकिन बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि सिंगल ही कैमरा है, लेकिन यह जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का कैमरा है और ये एक वाइड एंगल कैमरा है जिसकी मदद से आप यहाँ पर भी स्टिल फुल HD 8:30 FPS फ्रेम रेट पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसका भी कैमरा क्वालिटी वेरी गुड क्वालिटी यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh का बैटरी मिलेगा जिसकी मदद से आप यहाँ पे अच्छा खासा बैटरी बैकअप ले पाएंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर में आपको जो कि 67W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप एब्सोल्युटली 30 मिनट्स के अंदर में आप इस स्मार्टफोन्स को फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी स्मार्टफोन से वो काफ़ी गर्दा लेवल का स्मार्टफोन है जिसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका है, तो अगर वह वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो इस स्मार्टफोन का भी अनबॉक्सिंग रिव्यू फुल स्पेसिफिकेशंस के साथ प्रोस कॉन्स के साथ आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 3 नंबर वाले स्मार्टफोन्स के, जो कि ओप्पो कंपनी की तरफ से देखने को मिला है ओप्पो F21 Pro 5G स्मार्टफोन्स, जिसके अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्प्ले फीचर की, तो यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिल रहा है वो जो कि 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 2400x1080 pixels का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको स्टिल डिस्प्ले जो मैंने दो स्मार्टफोन्स पहले बताया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल पा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस में सबसे पहले अगर बात कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर भी आपको एंड्रॉयड 12 का लेटेस्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जा रहा है जो कि एक अच्छी बात हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर मिला हुआ जो कि स्नैपड्रैगन 695G का ऑक्टा कोर चिपसेट है, जो कि हालांकि मैंने दो पहले स्मार्टफोन से बताया उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे ये भी प्रोसेसर है ना वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर है जिसकी मदद से आप BGMI गेम को आराम से हैंडल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसे स्मार्टफोन्स में रैम की, तो यहाँ पे आपको 8GB का DDR4 का रैम मिल रहा है, और साथ ही साथ इसमें आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका भी परफॉर्मेंस है वो जो कि काफ़ी गजब का यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पे कैमरा फीचर की, तो यहाँ पे भी आपको जो बैक कैमरा में जो कि कैमरा सेटअप है वो ट्रिपल सेटअप किया गया है, लेकिन जो पहला कैमरा है वो जो कि 64 MP का है, और जो दूसरा कैमरा वो भी 2 MP का है, और प्लस जो तीसरा कैमरा वो भी 2 MP का है, तो यहाँ पे जो कैमरा सेटअप्स बैक में वो थोड़ा सा डिसेंट लेवल का आपको देखने को मिल सकता है। और बात कीजिए इस कैमरा की मदद से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ तक कर सकते हैं, तो इस कैमरा की मदद से आप जो कि फुल HD तक यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड आराम से कर सकते हैं, तो ये कैमरा थोड़ा एक डिसेंट लेवल का कैमरा है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पहले दो बताया वो जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी का यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिले हैं। लेकिन हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 16 MP का कैमरा देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप 30 FPS पर 1080 pixels तक वीडियो रिकॉर्ड आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे भी आपको 4500 mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा जिसमें आपको 33W का फास्ट चार्ज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें एट द लास्ट 4 नंबर वाले स्मार्टफोन्स के, जो कि वन प्लस की तरफ से देखने को मिला है वन प्लस नॉर्ड CE2 लाइट 5G स्मार्टफोन्स, और ये भी एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन्स हो सकते हैं जिसका प्राइस जो कि अंडर 20,000 तक के रेंज में आपको देखने को मिलेगा, यानी 30,000 से काफ़ी कम है, यानी यहाँ पे आपको 20,000 के रेंज में आपको ये स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसको अंडर 30,000 के रेंज में आपको दिखा दिया है, लेकिन अगर आप अंडर 20,000 के रेंज में भी लेते हैं तो ये स्मार्टफोन्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, और इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन्स वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स आपके लिए
हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर के, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्ले फीचर की, तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिल रहा है वो जो कि 6.59 इंचेस का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज का आईपीएस एलसीडी आपको डिस्प्ले मिलेगा, जिसकी रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 2412x1080 पिक्सल आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो ये भी डिस्प्ले वो काफ़ी एक हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है, लेकिन इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले सपोर्टेड नहीं किया गया, ये एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। नेक्स्ट हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो यहाँ पे भी आपको एंड्रॉयड 12 का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जा रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है कि अंडर 20,000 के प्राइस रेंज में यहाँ पे भी आपको एंड्रॉयड 12 का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 695G का ऑक्टा कोर चिपसेट यहाँ पे भी आपको मिल जा रहा है। तो ये भी एक चिपसेट काफ़ी एक दासू लेवल का चिपसेट हो जाते हैं इस प्राइस रेंज में, जिसमें आप बीजीएमआई गेम को आराम से स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात की जाए इसमें रैम की, तो यहाँ पे अब भी आपको 8GB का रैम मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जा रहा है। तो परफॉर्मेंस के मामले में कहा जाए तो इन चारों स्मार्टफोन्स में काफ़ी गजब लेवल का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा और डिस्प्ले भी काफ़ी गजब का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले बताया उसमें आपको एमोलेड सपोर्टेड किया गया डिस्प्ले, और एक जो मैंने अभी बता रहा हूँ उसमें आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिस्प्ले है। नेक्स्ट हम बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा फीचर की, तो यहाँ पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप्स किया गया, जिसमें से एक कैमरा है जो कि 64 मेगापिक्सल का, और जो कि दूसरा कैमरा हुआ जो कि 2 मेगापिक्सल का, और प्लस जो तीसरा कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो इन तीनों कैमरा कॉम्बिनेशन की मदद से आप जो कि बैक नहीं रियर कैमरा की मदद से आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे वो जो कि फुल एचडी का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, यानी 30 FPS पर। लेकिन हम बात करें इस स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो कि 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे स्टिल आपको कैमरा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें इस स्मार्टफोन में बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे आपको 5 AMAH का बैटरी बैकअप मिल रहा है, जो काफ़ी एक अच्छा बैटरी बैकअप आपको दे रहा है, जिसमें आपको 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइस है वो जो कि 21,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ जाएगा, तो ये जो कि 20,000 के आसपास ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो गाइज़ आई होप कि मैंने यहाँ पे जो 4 स्मार्टफोन्स बताया उनमें से आपने किसी न किसी स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट कर लिए होंगे अपने बजट के हिसाब से। लेकिन फिर भी इन चारों स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप भेजिए, कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिले, थोड़ा देर से देखने को मिले, बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर